ভাই নিজের লোকদেরকে নিজেরাই মারছিস ইন্ডিয়া তো আছেই অনেক ইনভেস্টমেন্ট সাথে তালেবান ক্ষমতা নিতে চায় তা দেশটাতে যাতে তাড়াতাড়ি শান্তি আসে স্বাগতম সবাইকে বিচার রিঅ্যাকশনে আজকে আমরা চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি বিষয় নিয়ে ভিডিও দেখার জন্য আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখব সেটি কারেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে আর আজকের ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে নিউ কোয়াড গ্রুপ ইন আফগানিস্তান ত্রয়িকা প্লাস গ্রুপ তালেবান আফগানিস্তান ইস্যু তো আফগানিস্তান ইস্যু নিয়ে আসলে এই ভিডিওতে আলোচনা হবে ইদানিং তো আফগানিস্তানে দেখা যাচ্ছে যে তালেবান অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে নতুন কোনো গ্রুপ হবে যারা হয়তো বা তাদেরকে হেল্প করছে অথবা তাদেরকে প্রোটেস্ট করার জন্য এরকম কোনো কিছু একটা হবে এই ভিডিওর মধ্যে তো আজকের এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি খান জেস রিসার্চ সেন্টার থেকে তো খান স্যারের অনেক ভিডিও আমরা আগেও দেখেছি তো আজকের এই ভিডিওটি থেকে আমরা নতুন কি জানতে পারি সেটা দেখা যাক তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি লেটস গো ফর ওয়াচ দা ভিডিও देखिए अफगानिस्तान में तालिबान दिन पर दिन हावी होते जा रहा है इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक न्यू क्वाड ग्रुप बनाया है और रसिया ने जो ट्राइको बनाया है उसको हम लोग समझते हैं जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस जा रही है उसी रफ्तार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हावी होते जा रहा है और वो बहुत हद तक हावी हो चुका है मेन जो बड़े बड़े शहर है वहाँ का अभी तालिबान आगे नहीं आ पाया जैसे काबुल वगैरह है तो एक्चुअली इसमें एक और रीज़न है कि काबुल की में एजुकेशन वो राजधानी है इंडस्ट्रियल एरिया है तो थोड़ा वहाँ एजुकेशन है तो वो लोग भी ज़्यादा इन लोग के बहकावे में आते नहीं है तो इनको एक तरह का वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट बहुत कम है अब ये अफगानिस्तान क्या किया तालिबान के बढ़त को देखते हुए अमेरिका ने वापस बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया दो ओर से बॉम्बिंग की जा रही है एक अमेरिका भी एयर अपने हवाई जहाज़ से बॉम्बिंग कर रहा है तालिबान के ठिकानों पर और एयरफोर्स जो अफगानिस्तान के भले ही छोटे एयरफोर्स हैं वो भी बॉम्बिंग कर रहे हैं तो अफगानिस्तान की एयरफोर्स अमेरिका की एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रहे हैं ये बॉम्बिंग इन लोग को पैरेलली करना चाहिए एक दिन ये करे एक दिन वो करे इस टाइप का ताकि अब जो तालिबान के बढ़ते कदम हैं उसको रफ्तार को कम किया जा सके और हमें एक मौका मिल सके ताकि हम लोग वहाँ कुछ कर सकते हैं अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति अशांत होने की वजह से ईरान और पाकिस्तान की ओर बहुत सारे उसके शरणार्थी रिफ्यूजी भागेंगे हालांकि उसके उत्तरी दिशा में उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वगैरह में तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बहुत सारे सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए सरेंडर वहां भाग गए और कुछ तालिबान के साथ सरेंडर भी कर दिए हालांकि बहुत सारे लोग इधर जाएंगे पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर फौज बढ़ा दिया और उसने कहा है कि अगर बॉर्डर पर अगर इसी तरह से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे अफगानिस्तान से तो बॉर्डर सील करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हम तालिबान को मदद करेंगे ताकि तालिबान हथियार ले और इन लोगों को कहता है कि आप अफगानिस्तान में रहिए आपके मरने का इंतजाम वहीं पाकिस्तान में इन लोगों को कहता है कि पाकिस्तान में आके मत मरिए पाकिस्तान की रहमो करम से आपके मरने की इंतजाम अफगानिस्तान में ही पाकिस्तान ने करा दिया है तालिबान के थ्रू जबकि तालिबान का कहना है कि किसी को भी खतरा नहीं है यहाँ रह सकते हैं लोग यहाँ पे से माइनॉरिटी भाई देखिए यहाँ जहाँ कहीं भी आतंकवादियों का बोलबाला रहेगा वहाँ माइनॉरिटी के तो कोई सुनता ही नहीं बेचारे वहाँ सिख जो परिवार थे वो लोग अब रिफ्यूजी हो गए अब अफगानिस्तान में उन तालिबान का कहना है कि ऐसा इन लोग का कोई खतरा नहीं होगा एक कहने के लिए सबको पता है कि ये माइनॉरिटी वहाँ पर कितनी सेफ रहती हैं लोग वहाँ पर अब तालिबान जैसे जैसे पावर में आ रहा है उसने कहा है कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं हालांकि तालिबान को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी पता है कि 1990 का दशक नहीं है ये अब दुनिया 5G की ओर बढ़ रही है उसको अगर स्टेबल रहना है तो उसे भी हथियार छोड़ के पॉलिटिकली आना पड़ेगा तो ये भी कह रहा है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं जो भी एजुकेशन का जो है महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर तालिबान ने कहा है कि हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे लेकिन महिलाओं को बुरका यानी नकाब पहनना कंपलसरी होगा जबकि वही तालिबान ने देखिए यहाँ पे बेचारी बूढ़ी दादी है बच्चों को पढ़ाने के लिए AK-47 लेके जा रही है मतलब समझ रहे हैं इतना बेचारे लोग बुढ़ापा में तस्बीह लेके पढ़ना चाहिए बताइए भगवान पे जाने का उम्र हो गया है AK-47 लेके ये तालिबान का हाल हो गया पाकिस्तान तालिबान आएगा तो क्या करेगा यही सब तो करेगा और पाकिस्तान उसमें मदद करता है वहाँ पर तालिबान चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया है जो अमेरिका के फौज के लिए काम कर रहे थे जैसे कुछ ट्रांसलेटर थे अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की भाषा नहीं आती थी कुछ ट्रांसपोर्टर थे सब्जी देने वाले मन के सब चीज अमेरिका से नहीं आएगा यहाँ से लोकल भी तो खरीदना पड़ता है उन लोग को चुन चुन के मार रहा है वहाँ के एयरफोर्स के पायलटों को
आर्मी वालों को। ये अमेरिका की भी यहाँ गलती है कि अमेरिका से लोगों का भी ट्रस्ट हटेगा, क्योंकि लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों ने डायरेक्टली अमेरिका का साथ दिया था, और लाखों ऐसे संख्या है अफगानिस्तान में लोगों की जो अमेरिका का साथ ये आस में दिए थे कि अमेरिका यहाँ रहेगा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएगा। अमेरिका अचानक चला गया, वो बुढ़ऊ जो बाइडेन है अचानक बुला लिया, अब इन लोगों के लिए कोई सेफ व्यवस्था नहीं रखा और ना ही इनका कोई सेटलमेंट काम किया है। केवल 650 फौजियों को छोड़ेगा अमेरिकी एम्बेसी की रक्षा करने के लिए, बाकी काबुल के जो अफगानिस्तान की फौज है वो उतना ट्रेन नहीं है जितना तरह से अफगानिस्तान इनको मतलब आगे बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने ना एक नया क्वाड ग्रुप बनाया है, क्वाड में से जिसमें 4 मेंबर रहते हैं उन्हें क्वाड कहते हैं। इसमें पहले जो भारत वाला क्वाड था जो एशिया पैसिफिक के लिए सुरक्षा वाला था, जिसमें भारत था, अमेरिका था, जापान था, ऑस्ट्रेलिया था, ये वाला क्वाड ग्रुप ना होकर ये दूसरा क्वाड ग्रुप है जो तालिबान को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसको रखा गया है? पाकिस्तान, जो आतंक तालिबान को संरक्षण देता है, अफगानिस्तान ऑब्वियस रहेगा ही रहेगा, ऊपर में उज्बेकिस्तान को रखा गया है, और एक यूएसए अमेरिका है। तो ये तीनों को मिला के क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अमेरिका चाहता है कि ये तीनों यहाँ पर मिलकर तालिबान को कंट्रोल करें सब। हालांकि इस क्वाड ग्रुप से भी कुछ होने वाला नहीं है, जब अमेरिका खुद था तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये जाने के बाद क्या होगा। तो इसको देखते हुए रसिया ने अपना एक नया प्रस्ताव चलाया है। देखिए रसिया जो है वहाँ पे एक ट्रॉयका, उसने एक नया मतलब ट्रॉयका प्लस बनाया। ट्रॉयका क्या है? ट्रॉयका वहाँ के इक्का गाड़ी को कहते हैं जिसमें 3 घोड़े लगे रहते हैं, इसमें चक्का नहीं होता है, ये बर्फ़ पे फिसलता है क्योंकि रूस बहुत ठंडा शहर है, वहाँ फिसलने वाली चीज़ है। तो ये ट्रॉयका ये दिखाता है कि 3 देश मिलकर, ये जो पीछे इक्का गाड़ी है यानी उसको अफगानिस्तान समझिए, उसको खींचेंगे से 3 मिलकर, कौन कौन? चाइना, यूएस और रसिया। और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इन्हीं लोगों का डोमिनेंस देखते हैं। चाइना जो है पहले से थे सब, तो इन्होंने पुतिन का ये दिमाग था कि ट्रॉयका से अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जा सकता है, अशरफ गनी सरकार को हम लोग एक स्टेबल दे सकते हैं। लेकिन ट्रॉयका भी ज्यादा सफल नहीं हुआ क्योंकि सबका अलग अलग था। अमेरिका का कंसर्न कुछ अलग था, रसिया का कुछ अलग था, चाइना का मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंकवादी को ये मान्यता का अपना अब्बा घोषित कर देगा ये। तो ट्रॉयका को और आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने ट्रॉयका प्लस बनाया जिसमें भारत को भी जगह दिया गया। ट्रॉयका में तो ये तीनों थे ही सब, ट्रॉयका में ऑलरेडी ये 3, इसके अलावा ट्रॉयका प्लस में अन्य 4 और देशों को भी जोड़ा गया है, कतर को, ईरान को, भारत और पाकिस्तान को। इन्हीं देशों को जोड़ने के पीछे रूस की बहुत ही मतलब सोची समझी रणनीति है। देखिए हथियार और पैसा टेक्नोलॉजी के मामले में ट्रॉयका के ये 3 देश ही एनफ है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ट्रॉयका प्लस बनाया गया जिसमें से इन 4 को शामिल किया गया, जिसमें हम पहला देखते हैं ईरान का। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से बाउंड्री बनाता है। अब ईरान जो है वो एक सिया कंट्री है, सिया कंट्री, और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है। तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो, उसका तो कोई संविधान नहीं है, वहाँ पे शरिया कानून है, मतलब जो मान बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे। तो ईरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए, इसलिए ट्रॉयका प्लस में इसको शामिल किया गया ईरान को, कि ईरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए। उसके बाद कतर को शामिल किया गया। कतर वो ऐसा जगह है जहाँ पर तालिबान को सबसे ज़्यादा मतलब एक कहिए तो समर्थन मिलता है। तालिबान की कोई मीटिंग होगी बाहर में तो कतर में मीटिंग होगी। आप देखेंगे कतर की राजधानी दोहा, दोहा वार्ता होती है इन लोग की, कोई भी समझौता करेंगे सब तो दोहा में आकर करेंगे, क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सेफ में, तो ये दोहा में। तो ये याद रखिएगा कतर का ही सबसे न्यूज़पेपर है अल जजीरा, जो इन लोगों की मिडिल ईस्ट की बातों को वो अपनी ओर से मतलब बढ़ा चढ़ा के भी रखता है अल जजीरा। तो कतर को शामिल कर लेंगे तो देखिए अब ईरान, तो ईरान और कतर ये रूस, अमेरिका, चाइना, इन्हीं तीनों के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है 3 देश के हिसाब से। अब भारत को रखने का एक और फायदा ये है कि भारत, भैया भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ तालिबान आ जाए, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में वो मिलिटेंस चालू कर देगा। और पाकिस्तान को रखने का कारण था कि भैया पाकिस्तान को हटाएंगे तो यहाँ कभी शांति नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आतंकवादियों के लिए तो बच्चादानी है, जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा इसके आतंकवादी बच्चे होते ही रहेंगे, तो यही ससुरा इसको रखना तो ज़रूरी है। ट्रॉयका प्लस देखते हैं लोग ये कितना आगे बढ़ सकता है, कितना शांति वार्ता कर सकता है। हालांकि ये बात ज़रूरी है सबको समझना कि तालिबान अफगानिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, कंप्लीट तालिबान कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। वहाँ से
वहाँ बहुत से बहुत अगर तालिबान को कोई काउंटर करेगा ना तो 50-50 रहेगा। तो इंडिया को भी ये सोच के चलना है कि हमें तालिबान के साथ इस तरह से मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रखना है कि भैया हमारी जो वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगे हैं, उसको तुम नुकसान मत करो, बाकी हम तुम्हारे में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं। और तालिबान भी इस बात को समझता है कि अभी के वक्त में अगर हम भारत से खुला दुश्मनी ले लेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब यही इसी को देखते हुए देखिए अशरफ गनी पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब उनका स्पष्ट कहना है, वो मीटिंग में भी थे उज्बेकिस्तान में ताशकंद में वहाँ पर, तो उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऑफिशियली कहा है अफगानिस्तान की एयरफोर्स को कि आप तालिबान पर हमला करेंगे तो हम आपको हमला कर देंगे। मतलब जो एयरफोर्स देश की रक्षा के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स आतंकवादियों की रक्षा के लिए होता है। अब यही पाकिस्तान जो होता है यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा जिहादियों को घुसा दिया अफगानिस्तान में, जिससे कि अशरफ गनी ने ओपन मंच पर किया है। अब किसी देश का प्रेसिडेंट बोलता है तो इस बात की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये पाकिस्तान वाले कितने गिरे हुए हैं आप अंदाज़ा लगाइए। बकरीद की नमाज हो रही थी प्रेसिडेंट पैलेस में, बकरीद के नमाज में भी बम फोड़ दिया। सब बेचारे देखिए, ये बेचारे एक आदमी है घबरा के मतलब उठ के जाने लगे। अब बताइए कोई नमाज पढ़ रहा है उस वक्त भी बम फोड़ रहे हो। अब बताइए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जो 57 देश हैं, क्या इस पर प्रतिक्रिया सुने हैं? नहीं हो सकते। लेकिन यही अगर रॉकेट हमला नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनियों पे होता या कश्मीर पर होता तो बवाल मचा देते। इसी वजह से OIC की लोगों बात नहीं मानते, क्योंकि लोगों को भी पता है कि भैया OIC कंट्री में 57 देश हैं, ये कब किसके साथ जाएंगे, ये अपने हिसाब से सेलेक्टिव आइडिया रखते हैं। बताइए हम तो दाद देना चाहते हैं अशरफ गनी साहब को, ये देखिए यहीं पर ये बैठे हैं अशरफ गनी साहब, यहाँ पर इन्होंने हीले तक नहीं, जो बम ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, तो राष्ट्रपति हैं सामने, हीले तक नहीं, क्योंकि देखिए ये लोग भी बम धमाका में देख लिए। भारत हमेशा से अफगानिस्तान के लोगों के साथ रहा है, तो अशरफ गनी भी पूरे खुल के आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान जो आतंकवादी सप्लाई कर रहा है उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि इस पृथ्वी का इतिहास रहा है कि सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो पाकिस्तान की हुई है 1971 में, जब उसके निकम्मे 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, छोटे मोटे नहीं, 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था। और इसी 1971 की लड़ाई में हमारे लोंगेवाला पर मात्र 120 फौजियों ने पूरे पाकिस्तान को भगा दिया था। तो एक ही इतिहास में दो दो युद्ध में देखने को मिला, जब सबसे बड़ी हार पाकिस्तानियों की हुई और भारत ने एक तरफा जीत रख गया, बताइए 120 फौजी मिलकर लोंगेवाला में हरा दिया था। तो ये उन्होंने दिखाया। अब ये कोई आम पब्लिक या मीडिया दिखा दी तो अलग बात है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर बता रहा है तो बहुत है। पाकिस्तान कितना गिर सकता है कि नमाज के वक्त में बम, मतलब इतना इंसानियत रखो यार कि पूजा पाठ में भी ये सब नहीं किया जाता। भारत में भी युद्ध हम लोग भी लड़े हैं, लोग ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कभी मानवता को हद पार कभी भारत ने नहीं किया। एम्बेसी जो अफगानिस्तान के जो राजदूत थे पाकिस्तान में, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, वो तो बाद में छोड़ा गया, तो काफ़ी टॉर्चर वगैरह। तो बताइए इतना गिर सकता है पाकिस्तान। लेकिन इसी पाकिस्तान को जब तहरीके तालिबान मारता है तो कहता है ये आतंकवादी गलत है, और अफगानिस्तान वाला तालिबान सही है। मतलब उसके हिसाब से अफगानिस्तान में शरिया कानून लग रहा है तो ठीक है, वहाँ का तालिबान ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में शरिया कानून लगाने के लिए तहरीके तालिबान अगर मारता है तो वो गलत है। भारत को भी यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तालिबान 110% वो भारत के खिलाफ ही रहेगा। भारत का अशरफ गनी यानी अफगानिस्तान में शुरू से ही बहुत बेहतरीन रिलेशन रहा है। आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को रूस और इटली पहुंचाने में अफगानिस्तान होके ही गए थे, तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता अफगानिस्तान से। दहेज में अफगानिस्तान मिला था बिहार के चंद्रगुप्त मौर्य को, एरिया आराकोसिया जेड्रोसिया पेरिस पेमियाई, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था, जिसका अभी का नाम काबुल कंधार मकरान हेरात है। तो दहेज का जमीन है बिहारियों की अफगानिस्तान, तो हमारा पुराना रिलेशन है। $3 बिलियन निवेश किया है पाकिस्तान ने भी, निवेश किया लेकिन वो आतंकवादी के रूप में निवेश किया। हम लोगों ने वहाँ 135 करोड़ रुपए लगा के हाईवे बनाए हैं, लोग जरान से लेकर डेलाराम तक इस हाईवे को बनाए हैं लोग। साथ ही हम लोग ने वहाँ पे 90 मिलियन डॉलर पैसा लगा के हम लोग वहाँ का संसद भवन बनाए हैं, 290 मिलियन डॉलर बना के वहाँ सलमा डैम बनाए हैं जहाँ की बिजली उत्पादन हो सके। तो ये अफगानिस्तान के लोग भारत से काफी इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन जब तालिबान आएगा तो तालिबान इन सारी चीजों पे अटैक करेगा, करेगा नहीं, वो करना चालू कर दिया है, ओपनली उसने बोल भी दिया है, संसद के एरिया में हमला भी चालू हो ही गए हैं,
यहां पे हाईवे पे कब्जा करना वो चालू कर ही दिया है। साथ ही सलमा डैम पे जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी उसको तालिबान वाले ने मार के उड़ा ही दिया है। तो भारत का जो इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बर्बाद हो जाएगा अगर हम हाथ पे हाथ रखे रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भारत ऐसी समस्या पहली बार देख रहा है, इतिहास से भी अगर हम लोग सीखेंगे ना तो 1971 में जब इंदिरा गांधी थी तो इस समय पाकिस्तान दो था, एक पूर्वी पाकिस्तान था एक पश्चिमी, पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान बड़ा था, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश देख रहा है, यहाँ इतनी खतरनाक समस्या हो गई थी सेम तालिबान की तरह। तो इंदिरा गांधी ने भी मुक्ति वाहिनी की मदद से यहाँ पर 1971 का युद्ध जीत के धो दिया, शिमला समझौता कर और सब पाकिस्तान वालों को कहा कि तुम कहो कि ये तुम्हारा नहीं है। सोचिए इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ को घुसा के बहुत भयानक युद्ध हुआ था, उस पर हमने एक अलग वीडियो बना दिया 1971 के वार पर ये युद्ध हुआ, इसमें 93,000 सैनिक हारे सब। तो भारत ने कहा कि पहले तुम कहो कि ये तुम्हारा देश अब से नहीं रहा, अब ये बांग्लादेश बन गया, तो भाई तुम्हारे 93,000 फौज को छोड़ेंगे, अनंत एक नीचे गाय गोरु बनवाएंगे भारत में रख के इन सब को। तो कहा था कि ठीक है अब से ही हमारा देश नहीं रहा गया। अब पाकिस्तान वाले ससुर तुना क्या कश्मीर लेगा, सब सब जो था वो तो छोड़ दिया था। तो भारत को भी अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास से नहीं जाए, तालिबान को भी काउंटर किया जा सकता है, लेकिन 100% आप तालिबान के रहम दिल पर रहेंगे कि वो भारत को छोड़ेगा तो ऐसा नहीं है। याद करिए जब हमारा विमान हाईजेक हुआ था तो कंधार में ही लेके गया गया था, तो उस समय अगर अशरफ गनी या फिर लोकतांत्रिक सरकार रहती तो कंधार में हमें कमांडो कार्रवाई करने का मौका मिल गया रहता। आई होप भारत सरकार भी इस पर एग्रेसिव एक्शन लेगी। आगे आप क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बताएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। আসলে কারেন্ট সিচুয়েশনটা অনেক কঠিন অবস্থায় চলে গেছে সবকিছু মিলে, কোয়াড তারকা প্লাস, হ্যাঁ তাছাড়া হচ্ছে এখানে আরো যে দেশগুলো আছে সবাই মিলে আসলে কনফিউশনে আছে যে আসলে কে কি করতে চাচ্ছে এবং সব একটা রাজনৈতিক চালের মধ্যে পড়ে গিয়েছে। আসলে এখন যেটা হচ্ছে যে তালেবানদেরকে নিয়ে কিন্তু সবার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে, পৃথিবীর সব দেশই এখন টুকটা চিন্তা ভাবনা করছে। কারণ এখানে আসলে শুধু যে উনি তো ইন্ডিয়ান বলেই হয়তো ইন্ডিয়ার ইনভেস্টমেন্টটাকে দেখালো, আমি জানি যে সেখানে জাপানের ইনভেস্টমেন্ট আছে, চায়নার ইনভেস্টমেন্ট আছে, ইউকের ইনভেস্টমেন্ট আছে, তো অবশ্যই রাশিয়া এবং ইউএসএর ইনভেস্টমেন্ট তো থাকবে, এবং কি তার তুর্কিদেরও ইনভেস্টমেন্ট আছে ওখানে, তাহলে সবারই ইনভেস্টমেন্ট, তোমার এয়ারপোর্ট বানাচ্ছে তুর্কিরা, তো তাদেরকেও তালেবান কিন্তু হুমকি দিয়েছে যে তোমরা এখান থেকে তোমাদের লোকজন সরিয়ে নিয়ে যাও না হলে আমরা এখানে বোমবার্ডিং করব। তো সবার জন্য এটা আসলে একটা নেগেটিভ সাইন, আর সবাই মিলে যদি একসঙ্গে এটাকে রক্ষা করা যায় এবং তারা তালেবানরাও যদি অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে তারা রাজনৈতিক দল হিসাবে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো বা ভালো হবে সবার জন্য এবং একটা সুস্থ সমাধানের মধ্যে যাওয়া উচিত। কিন্তু তালেবানরা যেটা চিন্তা করছে তারা তো অস্ত্র দিয়ে সবকিছু ঠিক করে ফেলতে চাচ্ছে, এবং তাদের এই অস্ত্রটা কিন্তু পাকিস্তানি অনেকটা সাপ্লাই দিচ্ছে, যেটা হচ্ছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদেরকে সাপ্লাই দিচ্ছে, সেটাও কিন্তু তারাও বলছে। এবং যেটা হচ্ছে যে আফগানিস্তানের যে প্রেসিডেন্ট উনিও কিন্তু জানে, উনি কিন্তু সরাসরি বলছে যে তাদেরকে এই ধরনের হেল্প করছে, তালেবানদেরকে এই ধরনের হেল্প পাকিস্তান সরকার করছে। তো দেখা যাবে যে এখন যে গ্রুপটা তৈরি করা হয়েছে যদি এই গ্রুপের মাধ্যমে সামহাও আফগানিস্তানের ভাগ্য পরিবর্তন হয় তাহলে তো সবার জন্যই। এখানে গ্রুপ তো এখনো দুইটা তৈরি হয়েছে, একটা হচ্ছে কোয়াড গ্রুপ আর একটা হচ্ছে ট্রয়কা প্লাস, এখন কোন গ্রুপটা আসলে কাজ করবে কোনটা অ্যাক্টিভ থাকবে সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক কনফিউশন রয়েছে। এটা আসলে টোটালি একটা গ্রুপ, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে প্রথম তারা যে কোয়াডটা তৈরি করেছিল যে চিন্তাধারা নিয়ে সেটা আসলে তাদের কাছে মনে হয়েছে যে এটা ফলপ্রসূ না, সাথে তারা আরো কিছু দেশ অ্যাড করেছে, তারপরও যেটা নিয়ে তারা তৈরি করেছে সেটাও তাদের কাছে মনে হচ্ছে যে না ফলপ্রসূ না, এর জন্য তারা আরো চারটা দেশকে তারা অ্যাড করেছে, যেখানে পাকিস্তানকে তারা বাইরে রাখতে পারছে না এই কারণে, এই কারণ পাকিস্তানের সাথে সরাসরি আফগানিস্তানের কিন্তু সীমানা আছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সেখান থেকে তোমার লোকজন যাতায়াত করছে সরাসরি, এবং তালেবানরা সেখান থেকে যাচ্ছে এবং অন্য অন্য যারা জঙ্গি সংগঠন আছে তারাও কিন্তু সরাসরি সেখান থেকে পাস। পাকিস্তানের সাপোর্ট যদি না পাওয়া যায় তাহলে আসলে তালেবানকেও আটকানো যাবে না, আবার তালেবান যে দ্রুত গতিতে আগাচ্ছে সেটাও কিন্তু পাকিস্তানের সাপোর্টে আগাচ্ছে, কারণ অন্য কোনো দেশ কিন্তু সরাসরি তালেবানকে সাহায্য করছে না। আবার সেদিকে কাতারের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, কাতার কিন্তু তালেবানের যত মিটিং তারপর যে ধরনের যোগাযোগ এগুলো কিন্তু তারা কাতার কেন্দ্রিক জায়গা থেকে করে থাকছে, তো এখন কাতারটাকে সবাই সিকিউর মনে করছে, কারণ কাতার কিন্তু তোমার টুরিস্টদের জন্য বা অন্যান্য বড় ধরনের মিটিং এর জন্য কিন্তু জায়গাটাতে সবাই যায় নরমালি, তো সেই কারণে হচ্ছে এই এরকম একটা জায়গাতে সিকিউর ফিল করে সবাই যাওয়ার জন্য। কিন্তু উল্টা দিকে যদি দেখি আমরা সেখানে কিন্তু আফগানিস্তানের বা কান্দাহারে যেয়ে তারা কিন্তু মিটিং করতে প্রস্তুত না, অনেকে ভয় পায়। যেমন আমাদের দেশে কিন্তু খেলোয়াড়রা কিন্তু পাকিস্তানে যেতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু ঘটনার কারণে পাকিস্তানে কিন্তু আমরা খেলোয়াড় পাঠাইনি,
পাকিস্তানি বা অন্য অন্য অনেক দেশ কিন্তু খেলোয়াড় পাঠাচ্ছে না, তো তাদের একটা ভয় থাকে। তারা কিন্তু পাকিস্তানরা তাদের খেলোয়াড় কিন্তু অন্য দেশে পাঠিয়ে খেলা চলছে, ক্রিকেট খেলার কথা, কিন্তু মানুষজন পাকিস্তানে যাচ্ছে না, ওখানে যেতে যাচ্ছে না, এক ধরনের ভয় কাজ করে তাদের, যে জঙ্গি বা আতঙ্কর যে কাজটা, তো সেক্ষেত্রে নামক যে গ্রুপটা আছে সেটাও কিন্তু পাকিস্তানে অ্যাক্টিভ আছে। এবং পাকিস্তানের নামাজের মধ্যে আসলে বম্ব ব্লাস্টিং হয়, এটা তো এখানে ভিডিওতে যেমন দেখালো, তাছাড়া আমরা শুনেছি, অনেকবারই শুনেছি পাকিস্তানে যে নামাজের মধ্যে বম্ব ব্লাস্টিং হচ্ছে। ভাই, নিজের লোকদেরকে নিজেরাই মারছিস একই টাইমে, এবং তারাও ইবাদত করছে সেই টাইমে আসলে বম্ব ব্লাস্টিং করা, এটা আসলে কোন মানসিকতা সেটা আমার আসলে জানা নেই। আর ইউএস যেটা করেছে, ইউএস এখান থেকে সৈন্যবাহিনী সরায় দিয়েছে, এটা কিন্তু খুব দ্রুত করেছে। আমরা কিন্তু এমন কোনো ইনফরমেশন আগে থেকে জানি না যে ইউএস সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেবে, হঠাৎ করেই কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটেছে, হঠাৎ এক দুই মাসের মধ্যেই তারা ডিসিশনটা নিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা 20 বছর ছিল, সেটা তাদের উচিত ছিল এখানে একটা সঠিক এবং তোমাকে শক্ত একটা সেনাবাহিনী গ্রুপ তৈরি করে দিয়ে তাদের হাতে ক্ষমতাটা ছেড়ে দিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আসলে এই যে 600-700 বা 2000-20000 সৈন্যকে দিয়ে আসলে এত বড় একটা রাষ্ট্রের কাজ করাটা, এবং এই জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে সামাল দিতে হলে আসলে একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী দরকার ছিল, যেটা ইউএস এর উচিত ছিল যে এই গত 18-20 বছর তারা এখানে ছিল, তখন আসলেই উচিত ছিল তাদের একটা স্ট্রং আফগানিস্তানি সেনাবাহিনী তৈরি করা। আর অপরদিকে ইন্ডিয়ার অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে আফগানিস্তানে, প্রথম দিকেই বললাম যে ইন্ডিয়ার তো আছে অনেক ইনভেস্টমেন্ট, সাথে কিন্তু আরো অনেক দেশের ইনভেস্টমেন্ট আছে, তো সবারই ইনভেস্টমেন্টটা মানে পানিতে যাবে যদি আসলে এগুলো বন্ধ না করতে পারে। তো সবাই আসলে অ্যালার্ট আছে যে আফগানিস্তানে যেন শান্তি বজায় থাকে, আর যদি তালেবান ক্ষমতা নিতে চায় তাহলে অবশ্যই তারা রাজনৈতিকভাবে আসক ক্ষমতা নিতে অস্ত্র পরিহার করুক, এটাই আমাদের কামনা। কেননা তালেবান বলছে যে তারা ভালো করছে, কিছু কিছু জনগণ তালেবানকে চাচ্ছে, আবার অনেক জনগণ তালেবানকে চাচ্ছে না, এটা আসলে ওই দেশের পরিস্থিতি, যারা দেশের ভিতর আছে যে সমস্ত জনগণ তারা সামনে থেকে উপলব্ধি করতে পারছে। আর তারা যদি অস্ত্র ছেড়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা নিতে চায় তাহলে তো সেটা অবশ্যই ভালো দিক হবে, কেননা তখন সব দেশই তাদেরকে ঠিক রাজনৈতিকভাবেই সাপোর্টটা দিবে, এবং তখন তারা একটা সংবিধানের মধ্য দিয়ে কাজ করবে, তখন তারা চাইলেই কিন্তু কোনো ধরনের জঙ্গি হামলার মতো কাজকর্মে সরাসরি যুক্ত হতে পারবে না, কেননা তখন তাদের নিজস্ব একটা সেনাবাহিনী তৈরি হবে। তো ওভারঅল আমরা চাইবো যে দেশটাতে যাতে তাড়াতাড়ি শান্তি আসে, এবং যারা আসলে ওই সময় বা এখনও আমেরিকাকে সাপোর্ট করেছে তাদের জন্য কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়, তারাও ওই দেশের নাগরিক, তাদের যাতে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় এবং তারা সাবধানে থেকে ভালোভাবে থেকে একটা স্বাভাবিক চুক্তিবদ্ধ জিনিসের মাধ্যমে যে শান্তিপূর্ণভাবে মানে দেশটা শান্তিতে ভরে ওঠে সেটাই আমরা চাইবো, একটা সুস্থ পরিবেশ যেন ক্রিয়েট হয় আফগানিস্তানে। আজকের আমাদের খান স্যারের এই ভিডিওর উপর রিয়েকশনটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আর কোন কোন ধরনের ভিডিও আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। তো আপনারা সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি।